नाउ स्टूडेंट्स, अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी सा क्वेश्चन हमारे सामने आया है, जिसको अगर हम ध्यान से पढ़ें और वैल्यूज को पुट अप करें, सो इक्वेशंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. द क्वेश्चन सेज अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर. तो हमें यहाँ पे एक फ्रैक्शन मानना पड़ेगा जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, वो तो हमें पता ही है. ओके, सो लेट अस राइट, लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स, न्यूमरेटर को हम एक्स मान लेते हैं, एंड द डिनोमिनेटर को हम लोग वाई मान लेते हैं. सो इन सच केस फ्रैक्शन हमारा हो जाता है एक्स अपॉन वाई. ओके, अब हमें इन पर ही सारे कंडीशंस अप्लाई करने हैं. हमें क्या कहा गया है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी जो फर्स्ट कंडीशन लगती है उसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि फ्रैक्शन हो जाता है आपका 1/3 इफ या व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर एक्स है, न्यूमरेटर में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो हम डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देंगे, यानी न्यूमरेटर में से ही सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, दैट इज एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1/3. ओके, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो 3x-1, 3 × x-1 इक्वल टू वाई, 1 ज़ा वाई, सो यू विल गेट 3x-3 इक्वल टू वाई. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. देन वी हैव द सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, इट बिकम्स 1/4, यानी जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 हो जाता है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. जब उसके डिनोमिनेटर में यानी कि वाई में 8 ऐड किया जाता है. ओके, फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसमें कुछ भी नहीं हमने किया, यानी हम न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं करते हैं, इट रिमेन्स एज इट इज़. सो दैट मीन्स एक्स अपॉन वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 1/4. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, सो यू विल हैव 4 × x, दैट इज 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 इंटू 1, वाई प्लस 8, 4x माइनस 8, माइनस 8 माइनस वाई इक्वल टू 0. ओके, इस तरीके से हम इक्वेशन को ले सकते हैं. सो दिस इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन. अब हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली. तो किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हमें वाई इक्वल टू 3x-3 दिख रहा है, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी आपको दिख रही है. आपको ये क्वेश्चन कोई भी अल्जेब्रिक मेथड से करने को कहा गया है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द इजीएस्ट मेथड जिससे आपका टाइम बचे बोर्ड एग्जाम्स में. सो वाई इक्वल टू 3x-3, यहाँ पे हम वाई की वैल्यू को डायरेक्टली सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं. हमें यहाँ पर सिर्फ लिखना है पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2. ओके, आप इक्वेशन 2 में पुट अप कर रहे हो, 4x-8-y=0, ये आपकी इक्वेशन है. आप y की जगह पे ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट लगाना मत भूलना बिकॉज बाहर माइनस का साइन है, 4x-8-3x-3=0. 4x-3x एक्स हो जाता है, -8+3 ये हो जाता है -5 इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू आ जाता है 5. अब एक्स की वैल्यू आप इसी क्वेश्चन में पुटअप कर लो, 3x-3 इक्वल्स टू 5 है, वाई है, राइट. सो दैट मीन्स वाई इक्वल टू 3x-3, एक्स की जगह पे आपने 5 पुटअप किया, 15-3 दैट इज 12. सो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाती है 12. अब हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई, सो वी कैन राइट डाउन अवर आंसर दैट फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई, यानी कि 5/12, ये है हमारा फ्रैक्शन.